भारतीय जनता पार्टी ने कहा, देश के संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव चाहती है पार्टी, का समग्र रणनीति के अभाव में नहीं हो सकता नक्सली समस्या का समाधान। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गोवा में जारी बैठक में सेहत खराब होने का हवाला देकर शामिल नहीं हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी। गोवा बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा भी नहीं पहुंचे, कहा कि वो पूरी तरह से हैं स्वस्थ, लेकिन वहां न जाने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा में अंतर्कलह बहुत ही गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, वो देश का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हो सकती। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने IIT इंदौर के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की है जरूरत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वो 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि के ऋण से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल करें और ऋण वापस किए जाने के समय तक उनकी जांच करते रहें। 631 नए कैडेटों ने देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण किया पूरा, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन ने किया परेड का निरीक्षण। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैलिफोर्निया में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन, सम्मेलन में साइबर सुरक्षा और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की चुनौतियां एजेंडे में शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लाखों अमेरिकी निवासियों और विदेशियों के टेलीफोन और इंटरनेट इस्तेमाल से संबंधित रिकॉर्ड पर गुप्त तरीके से नजर रखने के अपने प्रशासन के फैसले का किया बचाव, कहा कि इससे आतंकवादी हमले रोकने में मिली है मदद। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को स्वास्थ्य खराब होने के बाद अस्पताल में किया गया भर्ती, हालत गंभीर लेकिन स्थिर। चीन में दक्षिण पूर्वी प्रांत में एक बस में आग लग जाने से कम 47 लोगों की मौत होने की खबर। तटवर्ती शहर जियामेन में एक सड़क पर जा रही बस में शुक्रवार को अचानक आग लग जाने से घटी दुर्घटना। फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल में आज सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। पुरुषों के फाइनल में कल स्पेन के 2 खिलाड़ियों राफेल नडाल और डेविड फेरर के बीच होगी टक्कर। पिछले साल की चैंपियन साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने में रही नाकाम। शीर्ष वरीयता प्राप्त साइना को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंगापुर की 8वीं वरीयता प्राप्त जुआन गु के हाथों 21-13, 12-21, 18-21 से मात खानी पड़ी।